अब आप जानते हैं शमशान घाट आदमी रोने जाता है, लेकिन ये वहाँ से भी हंसी आती है। मैं लोखंड वाला रहता हूँ, जो बॉम्बे जाते हैं उनको सब मैप याद है, बाजू में गोरे गांव है सर, गोरे गांव। एक बार दुनिया का सबसे बड़ा गणेश विसर्जन मुंबई में होता है, गणेश विसर्जन में मैं फंस गया गोरे गांव पे। सुबह से शाम हो गई, वॉचमैन 12 बजे रात में मुझे पहचाना, सामने वाल थी उसके पीछे कब्रस्तान शमशान थी, मुझे भी नहीं मालूम ये शमशान है। बोले सर आप टीवी पे आते हैं, मैंने कहा हाँ। अच्छा, बोले आप तो स्टार हैं लोखंड वाला में रहते हैं, मैंने कहा हाँ। बोले ये रात भर रास्ता बंद रहेगा, आप चाबी मुझे दो घर जाओ, मैं दिन में गाड़ी घर पहुंचा दूंगा। मैंने कहा मेरे बाप मैं घर कैसे जाऊंगा। बोले शमशान घाट, इसके उस पार आपका लोखंड वाला। मैंने कहा इतना शॉर्टकट, बस 2 मिनट का रास्ता है। मैंने कहा यार ये शॉर्टकट जिंदगी में नहीं मालूम, मैं तो 5 किलोमीटर बाईपास होके जाता था। चाबी दिया और बीच कब्रस्तान से दादा अपने घर जा रहा, एक आदमी कब्र के ऊपर बैठा। पहले तो मैं डर गया, मगर मैंने कहा ये पागल 12 बजे रात में बैठा, मैं उसको डांटने गया। मैंने कहा क्यों तुझे डर नहीं लगता, रात के 12 बजे कब्र के ऊपर बैठा। वो बोला काय का डर, अंदर गर्मी लग रही थी बाहर बैठ गया। मैं ही भागा 5 सेकंड में घर, और कसम खाया आज के बाद शमशान घाट या कब्रस्तान रात के 12 बजे नहीं जाऊंगा, और आप भी मत जाना क्योंकि बुरी आत्माएं मिलती हैं। और एक बार दिन में जाम लगा, मैंने कहा दिन में काय का खतरा, ये शॉर्टकट तो है। मैं फिर वहीं से वापिस आया, एक अजीब मंजर देखा, गोयन का जी एक कब्र के ऊपर महिला बैठी पंखा कर रही, पसीना पोंछ रही, 2 घंटे तक पंखा कर रही कब्र को। मैं पास में गया, बहन जी माफ कर रहा इसके अंदर कौन है। बोले हमारे शोहर हैं, पति हैं, हस्बैंड हैं, मिस्टर हैं। मैं उनका प्रणाम करता हूँ, अपने पति की इतनी सेवा, जीते जी पति को पंखा किया, मरने के बाद कब्र को कर रही, आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। बोली भाई साहब ऐसी बात नहीं है, दरअसल हमारी बरादरी में एक दस्तूर है, जब तक कब्र की मिट्टी नहीं सूख जाती दूसरी शादी नहीं कर सकती। और बाद में पता चला अपने जुगाड़ में बैठी, ये कब सूखे मैं दूसरे के साथ निकल लूं। बड़ा अजीब देश, बड़े अजीब लोग, मगर कमाल के लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी बोले आपका एक फैन है गांधीनगर में, उसके यहाँ चाय पीना। मैंने कहा कितना बड़ा है। बोले बहुत बड़ा है भाईजान, उसके घर में केवल 2 तस्वीर हैं, एक भगवान जी की, दूसरी आपकी। पहले वो भगवान जी को माला चढ़ाता है, फिर आपको चढ़ा देता। मैंने कहा जीते ही जी। बोले नहीं आपका फैन है। मैं कहा इतना बड़ा है तो चलना चाहिए। बेल बजाए, भाभी जी निकल के आई। मैंने कहा कहाँ हैं पति देव। बोले रेलवे में ड्राइवर है ना, अहमदाबाद सूरत एक्सप्रेस लेके गए हैं। मैंने कहा अच्छा, देश की सारी शादीशुदा महिलाएं मांग में लाल सिंदूर भरती है, आपने हरा क्यों भरा। बोले आपके भाई साहब रेलवे में ड्राइवर है ना, लाल रंग देख के बाहर ही रुक जाते, उनको लाइन क्लियर बताओ जब घर में आते, कई बार तो हरी साड़ी देख के पड़ोस में घुस गए। अब इसका मतलब नहीं जो चाय दे रही है ये इनके पति भी रेलवे में, क्योंकि इनकी भी हरी साड़ी, और दादा तो हर ही ड्रेस पहन के बैठे, ऐसा लग रहा है टीसी आज यहीं बैठे हुए हैं। बहुत अच्छे हैं आप। ये सारी बातें आपको जोड़ने के लिए थी। प्रणाम करता हूँ कैमरामैन को, और आपको जानकारी देता हूँ, दुनिया का सबसे अच्छा कैमरामैन वो होता है जिसको बचपन से दूसरे के घरों में झांकने की आदत हो, और आपकी इस आदत को प्रणाम करता। बहुत अच्छे हैं आप, भगवान के बाद यही आदमी है जो सबको एक नज़र से देखता, इनकी एक आँख हमेशा बंद रहती, इनकी नज़रों में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, मगर एक पुरुष दूसरे पुरुष को देख के आंख दबाए तो डाउट होता, चरित्र पे डाउट होता, अखबार में मत छापना, अब यही चल ले दो, है ना। अब जब सब सुन रहे हैं प्यार से, अहमदाबाद आ गया था एक बार, मेरे बहुत से फोटो गुजराती अखबार में, उर्दू अखबार में, इंग्लिश में, एहसान कुरैशी कविता पढ़ता, अलग अलग स्टाइल। 2 महीने बाद वो रद्दी बन जाता है, हलवाई खरीद लेते। मैं 6 महीने बाद आया, रेलवे स्टेशन में ही दुर्गति देखा,
हलवाई ने वो रद्दी खरीदा, जहाँ मेरा फोटो है उसी में ढोकला रख के बेच, ढोकला चटनी, इडली सांभर बड़ा, लोगों ने खाए, पत्ता नीचे फेंके, फिर मुझे कुत्ते चाट रहे थे। अखबार में मत छापना, नहीं तो कुत्ते ही चाटते। अच्छा, कुत्ते चाट ले गोयन का जी वहां तक ठीक, कुछ बहनों के बच्चों ने किया तो पहुंच के भी फेंक। अखबार में मत छापना, बड़े बुरे बुरे काम करना पड़ता ये। अच्छा, गोयन का जी ऐसे हंस रहे जैसे बुरे काम हुए। सर, कभी कभी अच्छे काम भी हो जाते। एसी से तीन लड़की उतरी मॉडल, जहाँ मेरा फोटो छपा है उसी से अपना लिपस्टिक पोंछ रही थी। मेरे को बड़ी शर्म आई, बहुत अच्छा लग रहा है, देखो कितने अच्छे लोग हैं एक साथ बैठे हैं, और पुरुष ज़्यादा महिलाएं हैं, और मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ। एक बार महिलाओं के लिए इसलिए ताली बजाना, ओलंपिक में दो महिलाओं ने पूरे देश की इज्जत बचा के आई। क्या कहने, बहुत बहुत बधाई उन दोनों महिलाओं को और आमिर खान को, जिनने गीता और वो दोनों बहनें बबीता, उनका इतिहास भारत को बताया। इसलिए मेरे हृदय में बचपन से ही महिलाओं का बहुत सम्मान है, और गोयन का जी इसलिए भी है कि मेरा अपने घर में बहुत सम्मान है, मेरी पत्नी मुझे बहुत सम्मान करती है, प्यार करती है। सिद्धू जी मेरे, आप आज के सिद्धू जी हैं सर, हाँ, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर में तो वो वाले रहते हैं, आज आप ओरिजिनल वाले। दो ही हस्तियाँ रहती हैं, एक शेखर सुमन खूबसूरत से, वो तो गोयन का जी हैं आज, शेखर सुमन, और एक सिद्धू जी, जोरदार ताली बजा दे सिद्धू जी। क्या बात। और जहाँ ये दो हस्तियाँ होती हैं कार्यक्रम सफल हो जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको सामने देख के सिद्धू जी, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है। हाँ आंटी जी, सही कह रहा हूँ, मैं जब तक घर नहीं जाता खाना ही नहीं खाती, वो खाएगी भी कैसे, जाके बनाऊँगा जब तो खाएगी। अच्छा, बहुत से ऐसे हंस रहे हैं जैसे बनाते ही नहीं, बनाते सब है मगर बताता कोई नहीं, अपने को पेमेंट मिलता है बहुत सी बात बता देती। हाँ, वो मेरा एक शो चला, हम आपके घर में रहते हैं सब टीवी पे, रात 10 बजे आता था, एक साल में पैकअप हुआ। पत्नी बोले पिताजी की याद आ रही है, चलो मिलने चलते। मैंने कहा ससुर जी के दर्शन मैंने 2 साल से नहीं किए, मैं कहा चलो नागपुर का ससुराल, नागपुर ले गया गोयन का जी, बेल बजाया, पति पत्नी हम दोनों बाहर खड़े, ससुर जी ने देखे, वाह दामाद जी 2 साल में टाइम मिल गया, अब जाके आए हो। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है ससुर जी, लोग अवार्ड वापिस कर रहे हैं, पुरस्कार वापिस कर रहे हैं, मैं सोचा मैं अभी ट्राई मार के देख। ससुर जी बोले व्यापारी आदमी हूँ बेटा, दुकान में बोर्ड टांग दिया हूँ, बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा, और घर में बोर्ड लगा दिया हूँ, विदा किया हुआ माल वापिस नहीं क्या होगा। कहने, तेरी मुसीबत है अब तू ही झेल। मैं क्या बताऊँ, मेरे हृदय में इतना सम्मान सर, मेरे बच्चे भी महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये तो 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस, पिछला गणतंत्र दिवस आया तो 26 जनवरी के दिन मेरी पत्नी 1 घंटा चुप बैठी, सुबह से मैं अपने रूम में ही घुसा और अकेले ही जश्न मनाया, 1 घंटा नाश्ता रहा, मैंने कहा इतना बोलने वाली आज तो चुप है, चलो जश्न मनाते हैं गणतंत्र दिवस का, आज़ादी का, क्योंकि पहली बार आज़ादी मिली थी, 1 घंटा चुप बैठी। मगर 1.5 घंटे बाद पसीना आने लगा, घबराहट हो गई, मैं बाहर निकला, मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा, मैंने बच्चे से पूछा बेटा तेरी मम्मी ने रोज़ा रखी है, बोले नहीं पापा, मैंने कहा उपवास रखी होगी, बोले वो भी नहीं, अच्छा मैंने कहा मौन व्रत होगा, बोले पापा वो भी नहीं, फिर मैंने कहा 1.5 घंटे से तेरी मम्मी चुप क्यों बैठी है, मेरा बच्चा बोला पापा मम्मी ने लिप गार्ड मांगी, मैंने फेविक्विक दे दिया। कभी कभी मेरे बच्चे निपटा देती, मगर मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करती, मेरे हृदय में बहुत सम्मान है। मैं तो आप जानते हैं होली पर एक दिन आता है सर, लक्ष्मी पूजा वाला दिन, दीपावली पे एक सामान खरीदना पड़ता है, पत्नी को एक सामान लेने पहुंचाया बर्तन की दुकान, उसने 25 बर्तन खरीद ली, डिनर सेट, कपड़ी सेट, कुकर प्रेशर, वो देते जा रहा, उसको मालूम तिजोरी गाड़ी में बैठी है, पेमेंट तो मुझे ही करना,
बोले भाई साहब एक कुकर प्रेशर तो ले गई थी। बोले तो 3 सीटी वाला था मैम, ये 15 सीटी वाला टिकाता ही जा रहा है सामान। आखिर में मेरी पत्नी बोली भाई साहब एक अच्छा सा बेलन देना। मुझे डर लगा, मैं तो दौड़ के ही गया। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा नरम सा देना, पिछली बार का बहुत टाइट था। वो सब हंस रहे हैं जो बेलन का सदुपयोग जानती। प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं चली। सर एक दिल की बात शेयर करता हूँ, इतनी अच्छी ऑडियंस है इसलिए। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो का कॉम्पिटिशन हुआ, 50 कॉम्पिटिटर आए। उत्तर प्रदेश से राजू श्रीवास्तव, हाँ। मध्य प्रदेश से मैं आया, महाराष्ट्र से सुनील पाल आए, मुंबई नगरी से नवीन प्रभाकर, पहचान कौन, और पराग कंसारा आपके यहाँ से आए, गुजरात से, बड़ौदा से, भगवंत मान पंजाब से आए जो आजकल सांसद बन गए। ये टॉप 6 लोग थे, और पूरे 50 में 49 एक तरफ, ईश्वर जी मैं अकेला एक तरफ। हाँ ये 50 डांस करते थे, नाचते थे, मिमिक्री करते थे, गाते थे, सब कुछ। मैं सिर्फ कविता की 2 लाइन पढ़ता था। मेरी इस 2 लाइन को देश ने इतना पसंद किया, और गुजरात ने इतने SMS किए मुझे कि आप सबके कारण मुझे 24 देशों की यात्रा का मौका मिला। वाह वाह, सबका क्या कहने एहसान भाई, थैंक्स और धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी TRP इतनी आई, इतने SMS आए कि अमरीका गया, अफ्रीका गया, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जर्मनी, जापान, चाइना, देश खत्म नहीं हो रहे, मेरे 4 पासपोर्ट खत्म हो गए, इतना घूमा सर। मगर दिल की एक बात शेयर करता हूँ आप सबके साथ, इन 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नजर क्या नहीं कहने? भाई बा, बा, बा। इस देश को प्रणाम करता हूँ, इस माटी को सलाम करता हूँ। हर 100 किलोमीटर के बाद भाषा बदलती है, अंदाज बदलता है, धर्म बदलते हैं, संस्कृति बदलती, लेकिन हम नहीं बदलते। ये देश एक है और दुनिया में महान देश है। और महान क्यों है, मैं 4 लाइन पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप देश का सम्मान कीजिए। जी भैया, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। वाह वाह वाह, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने देश का सम्मान किया, मैं आपका सम्मान करता हूँ। गोयनका जी, सब लोग अपने अपने ढंग से हास्य करते हैं, देशभक्ति करते हैं। हाँ। भाई ने देशभक्ति की अलग जगाई, सैनिकों के सम्मान में पढ़ा। हम लोग हास्य के कभी 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 हमको भी देशभक्ति दिखानी पड़ती है। पिछले दिनों मेरा शो बुक करने 3 मुल्क के लोग आए, एक चाइना से आया, एक जापान से, और मैं इंडिया से। मैं भारतीय आदमी, हम लोगों की होटल में मीटिंग हुई, भाईजान आपका शो चाइना में करना है, जापान में करना है। मैं बोला मैं शुद्ध हिंदी का खिलाड़ी हूँ, थोड़ी बहुत उर्दू आती है, मैं चाइनीज़ भाषा नहीं जानता, जापानीज़ भाषा नहीं जानता। बोले सर आप लोड ना लें, सुनने वाले सब इंडियंस हैं, यहीं के डॉक्टर्स, यहीं के इंजीनियर्स, और मेरे कार्यक्रम से जो बीच से उठ के जाता है उसे बुरे बुरे सपने आते, और वो रास्ते में चक्कर खा के गिर भी जाते। अच्छा घर जाते हैं तो ताला लगा मिलता, वापिस आते हैं तो चेयर नहीं मिलती, और अगर सपने में भूत नहीं आते तो मैं ही आके डराता। थोड़ी देर वो और बर्दाश्त कर लो, फिर अंतर ध्यान हो जाऊंगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। बोले यहीं के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और यहीं के बिजनेसमैन हैं। मैंने कहा वाह, सुनने वाले इंडिया के हैं तो मैं चलूँगा। हम तीनों के लिए कॉफ़ी आई, सर राउंड टेबल था, ताजमहल होटल समुंदर के सामने, ठंडी ठंडी हवा और 3 कॉफ़ी के कप। सर हम कॉफ़ी पीने के बाद कप सीधा ही रखते हैं, जैसे आप सब ने पी के सीधा ही रखे। सर वो चाइना वाले ने कप में कॉफ़ी पिया, खाली हुआ तो कप को औंधा रख दिया, पलटा दिया। मैंने कहा अजीब औंधा आदमी, कप भी औंधा रख रहा। अब जापान वाले का कप खाली हुआ, उसने सीधा रख दिया, एक कप उल्टा था, एक कप सीधा था। मैंने कहा अपन भी इंडियन से,
हाँ किसी से कम थोड़ी है। मेरी देशभक्ति जागी सर, मैंने भी नई डिजाइन दिया, मेरा कप खाली हुआ मैंने आड़ा रख दिया, दोनों मेरे से भिड़ गए। बोले इसका क्या मतलब है? मैंने कहा पहले आप बताओ ये उल्टे कप का क्या मतलब है? चाइना वाला बोला मुझे कॉफ़ी और नहीं चाहिए इसलिए मैंने कप पलटा के रख दिया। जापान वाला बोला कॉफ़ी अच्छी लगी एक और चाहिए इसलिए सीधा रख दिया। अब नई डिज़ाइन के चक्कर में अपन फंस गए और अपने क्या मालूम इसका रीज़न भी देना पड़ेगा। मगर देश की इज्जत खतरे में थी, मैंने देश की इज्जत बचाने के लिए जवाब दिया। और मेरा जवाब सुनकर ये पहली लाइन से आखिरी लाइन तक अगर आपको लगे जवाब सुनने के बाद कि देश की इज्जत बच गई तो सब देश के लिए ताली बजाना। मैं बोला बेटा ये आड़े कप का मतलब है हो तो दे दो नहीं तो रहने दो। ऐसा थोड़ी है इज्जत बचाना अपने को भी आता अपने क्या कहने आसान भाई आज है क्या कहने आज बच बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं क्या बताऊं मेरी कितनी सारी कविताएं हिट हुई पिछले, आपने तो इतने अच्छे आयोजन में बुलाए गोयन का जी, हमें तो फैशन शो में बुला लेते। अरे फैशन शो में कवि का क्या काम, लड़कियां चल रही हैं आगे आगे मैं पीछे, चार लड़कियां मेरा वेलकम कर, पत्तों का ड्रेस पहनी, आम के पत्ते पीपल के पत्ते, कपड़े तो है ही नहीं, सब दीपिका पादुकोण टाइप की लंबी लंबी, आगे आगे चल रही मैं पीछे पीछे। मैंने आयोजकों को फिर चार लाइन सुनाया, लैला मजनू की खालाओं, आधुनिक फैशन की बालाओं, पत्तों का ड्रेस पहनना छोड़ दो वरना दुनिया तुम्हारी दशा को मोड़ देगी, उस वक्त क्या करोगे जब तुम्हारे पीछे बकरा बकरी छोड़ देगी। हाँ कविता ऐसी भी होती और कविता वैसी भी होती है, चार लाइन में हंसा दे और वहाँ से एक शिक्षा निकल आए। बच्चों का स्कूल है, बच्चों के बीच में बहुत अच्छा लगा, एक स्कूल के सामने बोर्ड लगा था कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। स्कूल के सामने बोर्ड लगा सर, वो बोर्ड तो सही लगा मगर एक शरारती बच्चे ने रातों रात तीसरी लाइन लिख दिया। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं और एक बच्चे ने रातों रात लिखा एक भी टीचर बचने ना पाए। इनका गणित ही अलग है बच्चों का। अब अपने ने तालीम भी यहीं से शुरू किए थे, बच्चों को पढ़ाने से शुरू किए थे। एक कक्षा में हो रहा था शोर, अच्छा ये टोन का इस्तेमाल इसलिए करूँगा बार बार ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनली हूँ, नहीं आजकल मेरे डुप्लीकेट निपटा के चले जाते। पीछे पांच बच्चे ऑटोग्राफ लेने आए सर, मैं ऑटोग्राफ दे रहा हूँ, दो बच्चे मेरे बाल नोच रहे। मैंने कहा बेटा क्यों नोच रहा, गिर जाऊंगा? बोले मम्मी ने बोली देख के आना कहीं बिक तो नहीं। मैंने कहा बिक नहीं है बेटा, ओरिजिनल है, ज्यादा खींचेगा तो मैं गिर जाऊंगा। एक कक्षा में हो रहा था शोर, शिक्षक हो गए बोर, बोले रामू हल्ला मत करो शांति के साथ बैठ जाओ। आदि कविता आपके समझ में आ गई, बेटा हल्ला मत करो शांति के साथ बैठ जाओ। रामू बोला गुरुजी गुरुजी बड़ी समस्या है मैं आपको कैसे समझाऊं। शांति तो महेश के साथ बैठ गई, मैं सरला के साथ बैठ जाऊं? ये बच्चों की गणित है सर, बच्चे हंसाते भी हैं रुलाते भी हैं लेकिन कहीं कहीं सीख मिल जाती है। राजू की मम्मी ने भूगोल की पुस्तक खोली, वो धीरे से बोली, राजू की मम्मी ने भूगोल की पुस्तक खोली धीरे से बोली, बेटा गंगा कहाँ से निकलती है कहाँ जाती है, बेटे बताओ गंगा कहाँ से निकलती है कहाँ जाती है, बेटे बताओ। राजू बोला मम्मी आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, गंगा शर्मा जी के यहाँ से निकल के वर्मा जी के यहाँ घुस जाती है।
शिक्षक बोले, बेटा आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, गंगा शर्मा जी के यहाँ से निकल के वर्मा जी के यहाँ गुज जाती है। गुरुजी बोली, मम्मी बोली, बेटे तूने तो प्रश्न का उत्तर ही बदल डाला, ये कौन सी गंगा का जिक्र कर डाला, वो नदी का पूछ रही, ये किसका बता रहा है। लेकिन अब जवाब देखना, कविता यहाँ से बनती है। बेटे तूने तो प्रश्न का उत्तर ही बदल डाला, ये कौन सी गंगा का जिक्र कर डाला। रामू बोला, मम्मी ये गंगा वही है जो पेट की खातिर घर घर नाचती है, और दिन हो या रात बस बर्तन मांजती है। मम्मी ये गंगा वही है जो पेट की खातिर घर घर नाचती है, दिन हो या रात बस बर्तन मांजती है। इसका दुख देखकर राज कपूर की आंख भी भर आई थी, उसने भी एक फिल्म बनाई थी, हम सब ने फिल्म देखे थे रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। कविता समाप्त हो गई है, आप तालियां बजा सकते। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं रात भर इसी ढंग से सुना सकता हूँ, लेकिन आपके प्राण नहीं लेना चाहता। हाँ, एक मन की अच्छी सी कविता सुना देता हूँ, वरना आजकल तो बच्चे चले गए, मेरा नंबर लेट आया बेटा, असली श्रोता भगा दिया। हाँ। वो सब खा पी के सब निकल गए, लेकिन जितने बच्चे हैं मजा लेंगे। मैंने जिंदगी की पहली नौकरी टीचर की ज्वाइन की, पहली दिन स्कूल गया, हिंदी पढ़ाना था, दो शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिखा, ऊपर लिखा सत्य, नीचे लिखा भ्रम। मैंने कहा कोई बच्चा खड़े हो, सत्य और भ्रम में अंतर बताओ। ये पहले ही दिन बच्चों ने निपटाया, 90 चैनल देखने वाली पीढ़ी ने। एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला सर आप पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सत्य है, हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। मैं ही भागा। वाह वाह वाह, मैंने कहा ऐसे बच्चों को कौन पढ़ा है, आप सुना रहे हैं ये डरते सत्य है। डरते दूसरी कक्षा में घुस गया, फिर दो शब्द लिखा। हाँ। बीच बीच में बेटा बोलते रहना। मैंने कहा आप सुना रहे हैं ये सत्य है, ये सुन रहे हैं आपका भ्रम है। नहीं तू और तू बोलते रहे ताकि हमको भी लगे तू जीवित है, नहीं तो हमने कई संचालकों का अंतिम संस्कार मंच में किए, ऐसा बीच में बोलते रहना बेटा भ्रम होता। क्या आदमी है सर, क्या हम इसको मनमोहन सिंह समझे थे, ये तो क्या निकला नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छा, नहीं वो बहुत पवित्र आत्मा है, अच्छा काम है बेटा, ऐसा मत बोल। हाँ, नोटबंदी पे क्या क्या प्रभाव हुए भाई साहब को मालूम ही नहीं, मेरा वॉचमैन आया भाईजान पहले ही दिन, ईश्वर जी बोले भाईजान सुबह से लाइन लगा, 10 घंटे के बाद ATM से 2000 का नोट मिला, 10 घंटा लाइन लगने के बाद 2000 का नोट मिला, और किसी ने बिना लाइन में लगे मेरी 10,000 की साइकिल ही ले गया। अरे बड़े अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिले। फिर अपन वापस आते हैं। हाँ, कहाँ था मैं, ये बीच में बोल के भटका देता। हाँ, मैं दूसरी क्लास में गया, फिर दो शब्द लिखा, ऊपर लिखा दुर्घटना, नीचे लिखा दुर्भाग। मैं कोई बच्चा खड़े हो, दुर्घटना और दुर्भाग्य में अंतर बताओ। एक बच्चा फिर खड़ा हुआ, बोले सर आप पढ़ा रहे हैं, इतने में ये छत गिर जाए तो ये दुर्घटना। मैंने कहा शाबाश, वो दुर्भाग। बोले आप फिर भी जिंदा बच जाओ तो हमारा दुर्भाग। मैं ऐसों को नहीं पढ़ा सर। कहना सर, वो तो अभी कमल जी हैं, वहां भी दूसरे कमल जी थे, मैंने उनसे कंप्लेंट किया, मैंने कहा सर कैसे बच्चे सब मेरे को निपटा रहे हैं। बोले नहीं, तीसरी के बहुत शरीफ है। जा बेटा कुछ नहीं बोलूंगा तेरे को, मम्मी के साथ जा रहा है। वो पांचवीं का है। हाँ, पांचवी कक्षा। तू इससे पहले कि उसकी उतर जाए वो तीसरी में ही निकल लिया। बहुत अच्छा, कितने करीब से जान, यहीं पढ़ता था क्या, गजब का लड़का बस। क्या कहने वाले, बाबा रामदेव का मंजन घिसता है, दांत ही दिखाता रहता, बैठे बैठे ऐड करता हूँ, पैसा उनसे लेता कि मैंने ऐड किया, 3 घंटे हंसता रहा। बहुत अच्छा बेटा, बोलते रहे, तेरे को आज बोलने का ही पेमेंट मिलने वाला। तीसरी में हेड मास्टर साहब बोले तीसरी पढ़ाओ, वहाँ के बहुत शरीफ बच्चे हैं। तो मैंने कहा सर आप भी आओ, उनको साथ लाया दिखाने बच्चे शरीफ। एक पूछ लिया 8 और 8 कितने होते हैं, आप सब जानते हैं 8 और 8 16 होते हैं। हेडमास्टर साहब मेरे बाजू में, ईश्वर जी
मैंने जैसे ही पूछा 8 और 8, तो एक बच्चा खड़ा हुआ बोला 20। हेडमास्टर साहब नाचने लगे, वाह वाह, उतर के गए नीचे, उसकी पीठ ठोक रहे, शाबाश बेटा तूने स्कूल की इज्जत रख लिया। मैंने कहा माफ करना सर, 8 8 16 होते, ये 20 कह रहा है फिर भी पीठ ठोक रहा है। बोले एहसान भाई परसों तो 24 कह रहा था, धीरे धीरे सुधर रहा, ये रोज 2 कम करता, इसकी हौसला अफजाई करो, एक दिन 16 पे आएगा। मैंने कहा आप ही करो और आप ही मारो, वहीं से ही भाग गया। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ा सकता। मैं 4वीं कक्षा में गया, मैंने कहा पहाड़े कहाँ तक आते हैं। एक बच्चा बोला पहली कक्षा में 2 का याद था, दूसरी में 3 का, और 4वीं तक के हमने 8 के याद कर लिए। मैं कहा चल 8 का पहाड़ा सुना, बच्चों की फरमाइश पे, ताकि बच्चों की नींद खुल जाए, बच्चे मज़ा लेंगे। ऐसा हाथ बांधा, मैंने कहा चल पहाड़ा सुना, मुझे 2 या 3 लाइन समझ में आई, उसके बाद मेरे समझ में नहीं आया, हो सकता आपके समझ में आ जाए। उसने रिदम से सुना दिया सिद्धू जी पहाड़ा, ऐसा हाथ बांधा वो शुरू, 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 8 5 8 5 8 6 8 7 8 8 8 2 80। मैंने कहा चुप, ये किस टाइप का पहाड़ा, 8 3 24 तक तो ठीक ठीक आया, ये क्या है। बोले सर पहाड़े के बोल भूल गया, धुन पूरी याद है, उसने धुन सुना दिया, गजब के बच्चे। और इतने अच्छे, क्या बताऊं, 5वीं कक्षा में गोयन का जी, मैंने कहा ट्राई मारता हूं, मैं कहा देखो कोई शरीफ बच्चा हो तो अभी भी खड़े हो जाओ, इतने भी शरीफ नहीं थे। 5 बार बोला कोई खड़े नहीं हुए, 6वीं बार बोला क्लास में कोई बेवकूफ़ बच्चा हो तो खड़े हो जाओ, सबसे पीछे की बेंच में बैठा वो बच्चा खड़ा हो गया। मैंने कहा शाबाश बेटा, आप मानते हो क्लास के सबसे बेवकूफ़ बच्चे हो। बोले सर ऐसी बात नहीं, आप अकेले खड़े थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे निपटाऊ अच्छी। मैं रात भर बच्चों के किस्से सुनाऊँ तो आप स्कूल बंद कर दे, मगर किस्मत अच्छी आपकी कि बहुत शरीफ बच्चे आते हैं, क्योंकि फीस बहुत तगड़ी है। हाँ मैं तो नगर पालिका के स्कूल में पढ़ाता था, जहाँ मेरा पेमेंट खुद 6 महीने नहीं मिलता था। और मल्ल जी यहाँ तो पेमेंट मिलता है ना, सही क्यों लक्ष्मण जी, बहुत बढ़िया है आप, बहुत अच्छे हैं। चलो हंसाते हंसाते बहुत सारी बातों में भाई ने कितने, राजनीति अपना सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि राजनीति पे जाओ तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। सिद्धू जी देश के संविधान का अध्ययन करो, संविधान बताता है बच्चों की उम्र क्या है, शादी बच्चे किस उम्र में शादी कर सकते हैं, लड़की 18 लड़का 21। अब दिग्विजय सिंह का अध्ययन करो, वो बताते हैं कि आदमी किस उम्र तक शादी कर सकता, उनके भी आगे 2 उनके बाप एनडी तिवारी और बापू आसाराम, इनके जीवन का अध्ययन करो, कहते हैं जब तक वैलिडिटी खत्म ना हो जाए जब तक कर सक, तो क्या मालूम कौन सी कंपनी का रिचार्ज किए, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ वो तो 150 साल पुराना शेर सुना था मैंने, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। एनडी तिवारी ने शेर बदल दिया, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, डीएनए टेस्ट होते गए काफला बढ़ता गया। उनको खुद ही नहीं मालूम कहाँ कहाँ पढ़े उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, वे बड़ा गजब का देश। हाँ भाई, मगर सबसे अच्छी आत्मा बापू आसाराम की। हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इस देश ने 2 महान बापू पूरी दुनिया को दिए, 2 महान बापू पूरी दुनिया में फेमस हैं। नंबर 1 महात्मा गांधी जी, जिन्होंने भजन लिखा रघुपति राघव राजा राम, वो जेल में चले गए आसाराम, एक अपने कर्मों से कहां और दूसरे कहां। बापू को जैसे ही मालूम है राधा माँ अंदर आने वाली, एप्लीकेशन कैंसिल बेल की,
बाजू के कमरे की सफाई शुरू हो गई, जैसे उनका पड़ोस आबाद हो रहा। बड़ी ऊंची चीज बापू, हमने तो बचपन में सुने गोयनका जी, जो पत्नी की रक्षा करे उसे राम कहते हैं, जो पत्नी का ख्याल रखे उसे राम कहते हैं, जो पड़ोसन का ख्याल रखे उसे आसर राम कहते हैं। चलो खत्म करें, अंतिम कविता क्या बात है। हाँ नहीं तो नहीं, फिर अभी पुलिस वाले आ जाएंगे। भैया एक कविता अपने मन की सुना देता हूँ, बहुत सारी बकवास हो गई, किसी दिन फिर फुर्सत से बुला लेना। सर अगली बार पेमेंट अच्छा करना, तो जरा नंबर जल्दी लग जाएगा। अभी तो जो भी है ठीक है। उर्मिला जी धन्यवाद, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, इसी चक्कर में आ गया। लेकिन उर्मिला जी वाकई बहुत सम्मान दिया आपने, और बड़ा सम्मान करता हूँ महिलाओं का। महिलाओं का तो मेरे दिल में कूट कूट के सम्मान भरा, कूट हाँ बहुत सम्मान है ईश्वर जी। हाँ। लेकिन एक कविता मन की सुनाता हूँ। हिंदुस्तान में एक लड़की ने जन्म लिया, हैदराबाद नगरी में, पूरे देश ने उसको मान दिया, सम्मान पहचान, इंटरनेशनल फेमस हुई। उसका नाम है सानिया मिर्जा, बड़ा देश का नाम रोशन की, मगर एक बेईमानी कर गई, पाकिस्तान के शोएब से शादी कर ली, जिसके नाम में ही सौ ऐब। हाँ एक आध हो तो चल भी जाता, मैच फिक्सिंग में भी, शादीशुदा भी। अच्छा ये पर्सनल मामला उसका, वो कहीं शादी करे, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, लंदन, उसका पर्सनल अपने क्या लेना। मगर मेरी सोच ये है कि पाकिस्तान में नहीं करना था, क्योंकि भगवान इतना बुरा पड़ोसी किसी को ना दे जितना बुरा पड़ोसी हमको। वाह 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 वाह। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी लादेन उन्हीं की धरती पे मिला, अब और क्या सबूत दे दे। पूरी दुनिया के आतंकवादियों को जगह देता, आओ यहाँ से घुसो, ये है कश्मीर बॉर्डर। लेकिन हमने बचपन में सुने थे, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है एक दिन वो उसी में गिरता है। अब उसी की मस्जिद में, उसके स्कूलों में बम फूटने लगे, बच्चे वहाँ मरते हैं, तकलीफ हमको होती है क्योंकि वो भी इंसानों के बच्चे हैं। कांटे बोगे कांटे उगेंगे, फूल बोगे फूल बोगे, तुमने जैसे कर्म किए हो वो अब भोगो। और सबसे शर्मनाक घटना जी, सैनिक सोते हुए सैनिकों के सर काट के ले जाना। दुनिया के किसी सैनिकों के साथ ये अंजाम नहीं हुआ जो पाकिस्तान के सैनिकों ने किया, लेकिन तर्क निकल के आया कि वो सर क्यों ले गए, क्या काम का था। उन्होंने सुन रखा था कि भारतीय सैनिकों के इस भेजे में ऐसा कौन सा केमिकल है जो कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। वाह क्या बात है एहसान भैया, वाह केमिकल का टेस्ट करने ले गए। क्या कहने भाई एहसान। तो मेरा तर्क ये है कि सानिया को वहाँ नहीं करना था। जिस दिन विदाई हो रही उस दिन चार लाइन लिखा, मजा लेना, हैदराबाद से उसकी विदाई और मेरी चार लाइन। सानिया जी गजब धार रही हो, टेनिस का रैकेट क्रिकेट के बैट से टकरा रही हो, क्या इस देश के जवानों को लकुआ लग गया है जो हम सबको छोड़ के पाकिस्तान जा रही है। वाह 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 वाह। क्या गांधीनगर वालों को लकुआ लग गया हे जो हम सबको छोड़ के पाकिस्तान जा रही हो। और अगर उसको शादी करना था क्रिकेट प्लेयर से, तो इस देश के एक खिलाड़ी का नाम लेता हूँ, आपके बीच का खिलाड़ी है, वो जोड़ा पसंद आए तो आप समर्थन करना। सानिया जी अगर आप ये मानती हो क्रिकेट खिलाड़ी में दम है, अगर आप ये मानती हो क्रिकेट खिलाड़ी में दम है, तो अपना यूसुफ पठान कौन सा कम है। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह। उस टाइम वो भी कुंवारा था, आप भी कुंवारी थी, वो भी मुस्लिम था, ये भी मुस्लिम, मामला यहीं सेट हो जाता। वाह भाई। अच्छा शादीशुदा से शादी करने का क्या तर्क है मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन अगर शादीशुदा से करना था तो एक नाम और लेता हूँ, अब समर्थन करना, लाइन पसंद आए तो। सानिया जी अगर आपकी नज़रों में शादीशुदा आदमी एकदम खरा है, आपकी नज़रों में शादीशुदा आदमी एकदम खरा है, तो फिर एहसान कुरैशी कौन सा बुरा है। क्या बात है, मामला यहीं सेट हो जाता। बहुत सारे जानते हैं कि रीना राय ने मोहसिन खान से शादी की थी, तलाक लेके वापस आ गई, क्योंकि वहाँ मामला टिकता ही नहीं। अदनान सामी खुद छोड़ के यहाँ आए, किसी भी खिलाड़ी को ले लो, दो तीन तो होती छे,
एक पे तो काम ही नहीं चलता उनका, लेकिन देश के उस पार के संस्कार मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस देश के संस्कार मैं जानता हूँ। अगर एक बार हमारी शादी हो गई, सात फेरे लग गए, तो हम सात जन्मों तक साथ निभाते हैं, ये मेरे देश के संस्कार हैं। और गोयन का जी आपको जानकारी दे दूं, ये मेरा सातवां जन्म है। हाँ, अगली बार मेरी नई व्यवस्था। अब गोयन की जी सोच रहे हैं काश मेरी भी सातवां हो जाए। अभी आपको छह जन्म और लेना है सर। बहुत अच्छा लगा आपने सुने। अंतिम दो लाइन सुनाता हूँ कि सानिया जी जा तो रही हो पाकिस्तान, जा तो रही हो पाकिस्तान, पूरे मान सम्मान के साथ जाना, मगर रीना राय की तरह अपमानित होकर वापस मत आना। रीना राय की तरह अपमानित होकर वापस मत आना। अंतिम चार लाइन नहीं सुनाऊंगा बेटा, तो बद्दुआ लगेगी। बैठ जा वहीं, बहुत तो बोल रहा है टुकु टुक, फिर बीच में घुस रहा, इसको सुकून ही नहीं है। है तो छोटा सा, महफिल को सजा देता है पौआ, मगर बोतल का मजा देता। अब ये इसको बुलाए तो मुझे बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। गोयन का पूरी रात यही निपटाता रहता। अब मेरे को जब इज्जत से बुलाए तो पढ़ने दे, नहीं तो उर्मिला जी भी धन्यवाद करने खड़ी हो गई। नहीं, अंतिम लाइन बनती है इसलिए, नहीं आपकी ताली बताएंगी कि मैं सुनाऊं या नहीं सुनाऊं। आप खड़ा होगा, आप बैठ जा, देख बता दिए सबने। बहुत अच्छा लगा, कितने अच्छे लोग हैं, बहुत दिनों में इतनी अच्छी महफिल सजी। मैं बधाई देता हूँ हमारे तमाम वरिष्ठ कवियों को, आप तो अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं। मुझे गर्व है कि आज इस मंच पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त चौधरी साहब के सामने उनके उपस्थिति में मैंने कार्यक्रम पढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायरा जिनकी वॉइस वहाँ तक पूरी दुनिया में जाती है, उनके सामने कार्यक्रम पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद गोयन का जी, पूरे गरिमामय मंच पे आपने बड़ी इज्जत के साथ बुलाए, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और महिलाओं का बहुत सम्मान कर, महिलाओं का मेरे हृदय में बहुत सम्मान है सर। तीन महिलाएं मुझे मिली जब इंडस्ट्री में आया, पवित्र संस्कारित महिलाएं तीनों, मेरे लिए बरकती महिलाएं, इसलिए उनके तीनों के फोटो मेरी जेब के अंदर है। मेरे घर में तीनों की फोटो लगी है सर। कार्यक्रम में जाता हूँ, शूटिंग पे जाता हूँ, इनकी आरती उतार के जाता हूँ, तिलक करके जाता हूँ, क्योंकि ये मेरी बरकती हैं, बरकती ही मेरे लिए। मैं इन तीनों महान महिलाओं के, संस्कारित महिलाओं के नाम गिनाता हूँ, आप मजा लेना। नंबर एक मल्लिका शेरावत, नंबर दो राखी सावन, और नंबर तीन महान धार्मिक महिला सन्नी लियोनी। बड़ी पवित्र है, मेरे लिए बड़ी संस्कारित हैं। गांव में महिलाएं नदी में कपड़े धोने जाती, शहरों में पैसा आता है वॉशिंग मशीन लाती हूँ उसमें कपड़े धुलते, मगर इन तीनों पवित्र महिलाओं के कपड़े मिक्सी में ही धुल जाते। हाँ, होते ही उतने बड़े, टू इन वन काम चलता है, पहले जूस निकालती फिर कपड़े डाली, कपड़े भी धुल जाते। बहुत अच्छी महिलाएं हैं, इनको गाने बहुत अच्छे लिखे जाते हैं इनके लिए। मल्लिका शेरावत तो छा गई, रजिया बनके फिल्म में आ गई, इधर मुर्गी बैठी अंडों में और रजिया फंस गई गुंडों में, इनके लिए गाना लिखा गया। मैं कहना चाहता हूँ मल्लिका जी, यदि हर फिल्म में इस तरह कपड़े उतारोगी तो मुसीबत के पहाड़ टकराएंगे, आपको देखकर बाबा रामदेव नहीं गुंडे ही सीटी बजाएंगे। और आखिरी दो लाइन आप सबकी तरफ से कि मल्लिका जी चाहे जितना पैसा कमाओ, मल्लिका जी चाहे जितना पैसा कमाओ, मगर भारतीय संस्कृति को मिट्टी में तो मत मिलाओ, भारतीय संस्कृति को मिट्टी में तो मत मिलाओ। अंतिम चार लाइन इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अगर ये ना किया तो बेईमानी होगी। हाँ, देश के सैनिकों के लिए 1857 का युद्ध हो, 1947 का युद्ध हो, मुंबई अटैक, चाहे कारगिल की जंग, और जितने अटैक होते हैं सबसे पहली शहादत ये सैनिक देते हैं। इन तमाम सैनिकों के सम्मान में मैं चार लाइन पढ़ता हूँ। आप, हम कुछ नहीं दे सकते इन सैनिकों को, इन शहीदों को,
मगर तालियों से सम्मान जरूर दे सकते हैं। सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी। सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी। ओ मादर हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया, धन्यवाद। आजा मेरे लाल। इन्होंने मल्लिका शेरावत का नाम लिया, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी महिला जो कुछ भी नहीं छुपाती। लेकिन मैं आदरणीय सद्धे रानी चौधरी जी को बुलाना चाहता हूँ कि वो आभार प्रदर्शन करें। ऐसा कोई काम हमने किया तो नहीं है कि हमारा आभार किया जाए। जब पैसा लेके बोल रहे हो तो काहे का आभार? आभार तो उनको किया जाता है जो फ्री में आते। लेकिन बस 5 मिनट अगर आपने 3 घंटे दिए हैं, एक फिल्म बनती है, एक कई करोड़ रुपए की बनती है साहब 3 घंटे की, वो भी एक इंटरवल के साथ। लेकिन पूरी फिल्म देख करके लोग नहीं बीच में उठ के चले जाते हैं। अगर इन छोटे छोटे चेहरों ने आपको 2.5 घंटा 3 हंसा हंसाया है तो हमारा सम्मान होना चाहिए तालियों के साथ, और क्या मिल सकता है। मैं आदरणीय रानी चौधरी जी को बुलाता हूँ कि वो आएँ और हमारा आभार करें। और कार्यक्रम अच्छा लगा, मनोज मौर्य ने बहुत मेहनत की है इस कार्यक्रम सजाने में। आपको अच्छा लगा हो तो एक बार 3 बार तालियां बजा करके बताएं गोयनका जी को कि इस परंपरा को जिंदा रखिएगा, चाहे वो 15 अगस्त को कहे 26 जनवरी को। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी महान हस्तियों को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बहुत रस आएगा जब मैं कुछ बोलूँगी अपनी कर्कश आवाज़ में, मैं कहूँ एक तरह से तो। बट फिर भी मैं आप सबका, कुरैशी जी का, दिनेश भावरा जी का, अशोक चारण जी का और हमारे निमंत्रित आदरणीय कवियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ हमारे स्कूल में आने का समय निकाला और इतना अच्छा समा बांधा है यहाँ पे। मैं जिंदगी में कभी इतना नहीं हंसी इतना मैं आज हंसी और आंसू भी निकला। अरे क्या बात है, बहुत बहुत ही आनंद आया। मालूम है कि थोड़ा टाइम ऊपर हो गया है, लोग भी थोड़ा बेचैन हो रहे होंगे, बट बहुत बहुत धन्यवाद सबके आने का। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करना चाहूँगी मिस्टर अपूर गोयनका का, जिन्होंने कहा कि हिंदी में कुछ करिए और ये एक आइडिया उभर के आया। और मैं आप लोगों को आश्वासन देती हूँ, या मैं प्रॉमिस भी कर सकती हूँ इतना से कि ये प्रॉमिस ही करिए, आश्वासन तो नेता देते हैं। प्रॉमिस करते हैं, ये कार्यक्रम जरूर हम लोग आगे लेके जाएंगे। क्या बात, और क्या जरूर जरूर जुड़ना चाहेंगे। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पधारे और हमारे बीच में आए। सामने आप लोग ऐसे बैठे जैसे फिर से शुरू होने वाला है, ऐसा नहीं है, खत्म हो गया ये कार्यक्रम। अगले साल फिर से करेंगे। आप सभी का खूब खूब आभार। मैं आमंत्रित सभी कविगण से निवेदन करती हूँ कि वे भोजन ग्रहण करके ही जाएंगे। सभी का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।